राजनाथ जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बंगाल में भी आप लगातार प्रचार कर रहे हैं, आपने सौरव का सिक्सर भी याद दिलाया। अब सवाल यह है कि बंगाल में खेला होबे या फिर जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जोर से छाप और अब की बार टीएमसी साफ। देखिए, खेला होबे, खेला होबे तो तोलाबाजी का खेला ना होबे, कटमनी का खेला ना होबे, भ्रष्टाचार का खेला ना होबे, खेला होबे तो विकास का खेला होबे, अशांति का खेला होबे पश्चिम बंगाल। बीजेपी ने इस बार नाक का सवाल बना लिया क्या बंगाल को? नाक का सवाल बना लिया? नाक का सवाल बनाने का कोई प्रश्न नहीं, चुनाव जैसे तभी चुनाव लड़ते हैं वैसे हम बंगाल का भी चुनाव लड़ते हैं। इस बार इतना कॉन्फिडेंस क्यों है बंगाल को लेकर बीजेपी? कुछ नहीं, जन सामान्य में जैसा माहौल बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जन सामान्य में जो एक विश्वास और भरोसा निरंतर बढ़ता जा रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति भी इस प्रकार का विश्वास और भरोसा लोगों के अंदर पैदा हुआ है, और जो हम लोगों की सार्वजनिक सभाओं में जन सामान्य की रुझान देखने को मिल रही है उससे हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि बंगाल के चुनाव में इस बार भारतीय कहीं 200 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। ये बात आपकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं और पूरे जोर के साथ कह रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि अब की बार 200 पार हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा? ममता बनर्जी कह रही है आपके पास तो अपने उम्मीदवार भी नहीं है, आप हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के टिकट दे रहे हैं। सारे उम्मीदवार हर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने उतार दिए, ये कहना तो बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं, हमारे हर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों की एक अच्छी खासी फौज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को लोग जानते हैं कि जिसको भी हमने प्रत्याशी बना दिया थोड़ी बहुत किसी को नाराजगी हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा सभी साथ मिलकर काम करते हैं। सबका उद्देश्य यही होता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी उसके चुनाव चिन्ह कमल के फूल वो कामयाबी हासिल। चेहरे का ना होना नुकसान करता है क्या? सीएम फेस का ना होना नुकसान करता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका कोई बहुत महत्व नहीं है किसी राज्य में, क्यों कई राज्यों के चुनाव हम लोग ऐसे भी लड़े हैं कि हमारे पास फेस नहीं रहा है फिर भी हमको कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि पार्टी के प्रति जन सामान्य का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। यह पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। लेकिन आज की परिस्थिति में ममता बनर्जी को जब आप उन्हीं के एक सिपह सालार से चुनौती दिलवाते हैं और वो अपनी पारंपरिक सीट छोड़कर चुनौती दिलवाते नहीं, वो चुनौती दे रहे हैं, बुरी वो लोग दे रहे हैं आपके साथ जो पहले उनके साथ रहे आपके साथ आके दे रहे हैं, तो अब ममता बनर्जी उस चुनौती को स्वीकार करती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है मैं इसी सीट से आकर लड़ूंगी, तो क्या वो एक मैसेज नहीं दे रही है कि मैं फाइटर हूं और मैं किसी चुनौती से घबराती नहीं? नहीं, वो लड़ना चाहती हैं, लड़े, नतीजे सामने होंगे, हमारा प्रत्याशी जीतेगा, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। पैर में लगी चोट के बाद वो व्हीलचेयर पर हैं और कह रही हैं घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। नहीं नहीं नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि उनको चोट लगी है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए, और मैं समझता हूं कि सहानुभूति के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। चुनाव में तो कई लोगों को कई बार चोट लग जाती है दौड़ धूप, और किसी ने कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया, यह बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है, किसी ने उनको चोट पहुंचाई हो ऐसा भी नहीं हुआ। चोट लगी है उनको तो उनके कारण से ही चोट लगी, और हर व्यक्ति को सावधानी बरतनी चाहिए चुनाव में कैंपेन के दौरान। लेकिन उस चोट से जो सहानुभूति क्रिएट करने की कोशिश है, क्या वो आपके सपनों को चोट नहीं पहुंचा देगी, आपके प्लान को चोट तो नहीं पहुंचा देगी? देखिए, इसका मतलब यह है कि हताशा है, निराशा है, अब उनको लगता है कि हमने जो कुछ भी 10 वर्षों में किया है उस आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं कर सकते, सहानुभूति का सहारा लेकर वो चुनाव की वैतरणी पार करना चाहते हैं। जनता अब राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक हो चुकी है और इन सब सारे हथकंडों को अच्छी तरह समझती है, और ऐसे हथकंडों का जवाब देने की कुवत भी जनता के अंदर है, वह स्किल भी लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में अपने मतों का प्रयोग करते करते जनता के अंदर डेवलप कर गई, वह कुशलता उनके अंदर, इसलिए सहानुभूत का कोई असर नहीं होने वाला।
उनकी पार्टी से बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में आए, उनका बड़ा तीखा आरोप है आपके ऊपर कि आप सत्ता पाने के लिए कोई भी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करने को तैयार है। क्या राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली बीजेपी और आज की बीजेपी में अंतर आ गया? नहीं, कोई अंतर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हम भारतीय जनसंघ के रूप में भी काम कर रहे थे 1951 में, आज में भी कोई अंतर नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसकी एक फिलॉसफी, जिसका एक राजनीतिक दर्शन। अब मेरा सवाल यह है कि जिन लोगों पर आपकी पार्टी पिछले कई वर्षों से लगातार आरोप लगाती थी कि ये भ्रष्टाचारी है, इन्होंने बंगाल को बेच खाया, उन्हीं में से आधे अगर आप ही की पार्टी में आ जाएंगे तो क्या उनको क्लीन चिट है? और दूसरा, लोग फिर इस बात पर भरोसा कैसे करें कि वही लोग जिन जो आपके निशाने पर थे आज आपकी पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को क्लीन चिट नहीं देने जा रही है। यदि किन्हीं के ऊपर आरोप है तो मैं समझता हूं कि जो भी हमारी एजेंसी होंगी, जो अपना वो अपना काम करेंगे, उसमें हम कोई हस्तक्षेप करने वाले नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर किसी को भ्रष्टाचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सच्चाई को सभी जानते हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी, और उन्हें किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियां आपके साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रही हैं, क्योंकि ऐसे ही समय पर एक के बाद एक नोटिस आने लगे। मैं समझता हूं कि जो हमारी एजेंसीज हैं उन एजेंसियों के विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं। एक के बाद एक जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है, और कोई किसी को लगता है कि एजेंसियां ठीक तरीके से काम नहीं कर रही, पक्षपात कर रही है, तो अदालत का दरवाजा खुला है, चले जाए अदालत में। अदालत को जो फैसला करना होगा अदालत फैसला करेगी, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहीं भी हो जा सकती है। बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोई जरूरत नहीं। असम के चुनाव के लिए आप प्रचार करने जा रहे हैं, बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि कैबिनेट की पहली मीटिंग होगी तो CAA लागू करने का फैसला लेंगे। ये बंगाल के लिए आया, क्या असम के लिए भी संकल्प पत्र में CAA लागू करने की टाइमलाइन आएगी? मैं समझता हूं कि हम पूरी सावधानी बरतेंगे कि किसी भी सूरत में जो असम की एक पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो किसी भी सूरत में प्रभावित न होने पाए। ये हमारा प्रयास होगा। और वहां की जो सभ्यता संस्कृति है वह और अधिक मजबूत हो, असम की पहचान मजबूत हो, ये हम लोगों की तरफ से भरपूर कोशिश होगी। जो भी करना होगा हम लोगों को विश्वास में लेकर ही करेंगे, असम के लोगों को। अभी तय नहीं किया कि वहां CAA को लेके बातें उस तरीके से कुछ लोगों के द्वारा इस CAA को लेकर जो है एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा की जा रही है, तो लोगों को एक विश्वास में लेकर ही कदम उठाना मैं समझता हूं कि यह उचित होगा। इसी चीज को लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है कि आपको बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ रहा है बंगाल असम के बीच, क्या वाकई ऐसा है? अरे, बैलेंसिंग एक्ट नहीं, कभी भी हमारी सरकार का यह उद्देश्य नहीं हो सकता है कि किसी भी राज्य की आइडेंटिटी प्रभावित हो, हम कभी नहीं चाहेंगे। और लेकिन कुछ लोगों ने आशंका पैदा कर रखी है कि इसके कारण जो है वहां की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वहां की सभ्यता संस्कृति है, वो प्रभावित होगी। तो मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1-1.5 साल में CAA NRC को लेकर असम से ही जो चीजें खड़ी हुई थी, अब उसी असम में उन बातों को कहने में या उन पर चर्चा करने में पार्टी को हिचक हुई? मैंने कोई संकोच नहीं है, कोई संकोच नहीं है। मैंने तो मात्र इतना ही कहा है कि जो भी हमको करना होगा वहां के लोगों को विश्वास में लेकर ही हम करेंगे, जो लोगों की गलतफहमी है उसको हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमंता बिस्वा सरमा का बयान है, उन्होंने कहा कि असम में NRC और CAA डिस्कोर्स में नहीं, असम में NRC और CAA डिस्कोर्स में नहीं। मैंने जो कुछ भी कहा हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो हमारी अपनी बात है। क्या आप जब असम में बातें करेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, उसमें CAA का जिक्र होगा या फिर अब CAA बैक सीट पर ऐसा? अब देख लेंगे, वहां पर जैसी स्थिति बनेगी, जहां आवश्यक होगा वहां इसके संबंध में चर्चा करेंगे। लेकिन इस समय जो मैं बात कह रहा हूं, यही बात बोलना होगा यदि मुझे, तो मैं जनता के बीच बोलूंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं असम के लिए, उसमें से एक है CAA को खत्म करेंगे, केंद्रीय कानून को असम से खत्म करने की बात।
क्या ये देखिए ऐसा है कांग्रेस के द्वारा जितने भी आश्वासन चाहे बंगाल हो अथवा असम हो अथवा देश का कोई राज्य हो उसमें जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो बेमानी है क्योंकि कांग्रेस भी हकीकत को जानती है कि किसी भी स्थिति में केंद्र में आगामी कई वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में आने वाली नहीं है। यह तो आम जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है कांग्रेस की तरफ से। और मेरा यह मानना है कि जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी को अथवा राजनेता को नहीं करनी चाहिए। राजनीति यदि करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। विश्वास का संकट किसी भी सूरत में किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं पैदा करना चाहिए क्योंकि ऐसा मैं मानता हूं कि इसके पहले जिस प्रकार की राजनीति कुछ समय के लिए हुई है उसमें राजनीतिक पार्टियों की कथनी और करनी में वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति अब टू सब एक्सटेंट किसी हद तक एक विश्वास का संकट क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी देश की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हम जो कहेंगे वो हम करेंगे। ये चुनाव क्रेडिबिलिटी का चुनाव है, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है या पिछला एक साल जो पूरे देश ने देखा है महसूस किया है उससे बाहर निकलने का और उससे आगे बढ़ने की दिशा में एक सपना बेचने का चुनाव? सपना बेचना बेचा नहीं जाता। जो बातें रखी जाती हैं जो स्वप्न दिखाए जाते हैं उस स्वप्न को पूरा करना यह राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी होती है। और आपने देखा होगा केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो जब तैयार हो रहा था हम लोगों ने पूरी सावधानी बरती। वे ही सब सारे मुद्दे इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाले जाने चाहिए जिन पर हम अमल कर सकें जिसे हम पूरा कर सकें ये हम लोगों ने सावधानी बरती। इतना ही नहीं बल्कि 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना हुई थी उस समय जो हमारे मुद्दे थे उन मुद्दों को भी हमने सरकार बनने के बाद यानी संसद में क्लियर मेजॉरिटी पूरी होने पाने के बाद हम लोगों ने उसे पूरा किया है। असम में जो बीजेपी की तरफ से बड़ी बात की जा रही है जो स्थानीय नेता भाषण दे रहे हैं जाकर वो कह रहे हैं असमिया संस्कृति बनाम मियां कल्चर। क्या कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल के एक साथ आने के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा? देखिए एयूडीएफ का जहां तक सवाल है यही एयूडीएफ ने समाज को बांटकर बराबर जो है राजनीति की है। हमारा यह मानना है किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए जो कि जाति पंथ मजहब के आधार पर राजनीति करती है। जो राजनीतिक पार्टियां इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति करती हैं उनके साथ गठबंधन करिए हमको कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये कहना असमिया संस्कृति वर्सेज मिया संस्कृति क्या ये आपको अल्पसंख्यक वोट से पूरी तरह काट नहीं देगा? नहीं, मैं देखिए समाज का कोई भी वर्ग हो हम किसी भी वर्ग से कोई नफरत नहीं करते हैं। मैं दो टूक शब्दों में कह देना चाहता हूं जो भी भारत का नागरिक है वह चाहे किसी भी जाति पंथ और मजहब का क्यों ना हो हमको हम सभी को समान नजरिए से देखते हैं। हम कास्ट क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर कोई भेदभाव नहीं करते। धन्यवाद आपका आज तक से बात करने के लिए शुक्रिया।